हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल। गाइस देखिए, एक बार जब आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऐसे में उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। अब अप्लाई कैसे करें क्योंकि पता ही नहीं होता कि फॉर्म कब निकल रहे हैं, कहाँ फॉर्म निकल रहे हैं और कौन 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 से स्टेट में कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ही एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिस पे आप रेगुलरली अगर विजिट करेंगे या आप अपना अकाउंट क्रिएट करके छोड़ दोगे तो भी आपको मैसेज आते रहते हैं, पता चलता रहता है, आपके व्हाट्सएप मोबाइल पे मैसेज आते रहते हैं और कभी भी कहीं से भी कोई वैकेंसी निकल के आती है तो आपको व्हाट्सएप पे एक अलर्ट आ जाता है कि वैकेंसी निकल के आई है और अब जो है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूजफुल वेबसाइट रहने वाली है आप सभी के लिए। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें विदाउट स्किप किए, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। खुद भी इस वीडियो को देखें, साथ ही साथ अपने आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि जॉब के लिए देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो और उनकी भी जॉब जो है वो जल्दी से जल्दी लग जाए। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं इस चैनल पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के अलावा अदर जो टीचिंग से रिलेटेड और नॉन अकेडमिक पोस्ट निकलती हैं उन सभी से रिलेटेड मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइस देखिए, आपको आना है naukri.com वेबसाइट पे। आपको सिंपली सर्च करना है naukri.com, आप गूगल पे लिखेंगे तो ये वाली वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अब इसके अंदर सर्च कैसे करना है और कैसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा मैं आपको बता दूंगा, सारी चीज़ समझा दूंगा। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सर्च का आपको एक टैब दिख जाएगा जिसमें आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है आफ्टर राइटिंग सम कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होंगे, सपोज करो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए तो मुझे लिखना है असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है, पहले आपने पढ़ाया हुआ है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो आपको एज ए फ्रेशर ही छोड़ देना है। जिस भी जगह पे आप रहते हो, सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे दिल्ली लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पर सपोज करो कहीं और मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं मुंबई लिख दूंगा। तो मैं फिलहाल अभी दिल्ली लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च का बटन दबा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं गाजियाबाद लिख करके सर्च कर रहा हूँ क्योंकि एट प्रेजेंट गाजियाबाद में काफी सारी वैकेंसी निकल के आ रही है तो मैं इसलिए गाजियाबाद लिख करके यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ। जैसे आप सर्च करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो जो भी आसपास के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हर जगह भी यहाँ पर आपको वैकेंसी उससे रिलेटेड दिख जाएंगी। सो अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा। देखो, इसको सर्च करने से पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, रजिस्टर करने के बाद चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगी यहाँ पर। तो पहले मैं आपको रजिस्टर कैसे करना है वो समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे डिटेल में समझा दूंगा चीज़ें। तो गाइस देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है अपना, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। अब यहाँ पर अपना अपनी वो वाली ईमेल आईडी लिखनी है जिसको आप यूज करते हो, क्योंकि क्या करेंगे ये लोग आपको मेल भी करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आपको ये टाइम टू टाइम मेल भी करते रहते हैं जिसमें आपको वैकेंसी के बारे में पता चलता है कि कितनी वैकेंसी कहाँ से निकल के आ रही है और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो इसलिए यहाँ पर वो वाली ईमेल आईडी डालनी है जिसको कि आप यूज करते हो, जो आपके मोबाइल फोन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए पासवर्ड में, कोई भी आप 6 नंबर का, 6 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पर अगेन मैं वही बोलूंगा, मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आप यूज कर रहे हो, क्योंकि इसी नंबर पे आपको कॉल आएगी जब आप कहीं अप्लाई करोगे ना, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे, यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज करते हो तो आपको कॉल आएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर वो वाला नंबर यूज करना है जो कि आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पे आपको वो नंबर ही यूज करना है जिसपे आप व्हाट्सएप पे मैसेज चाहते हो। आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता रहे, पता चलता रहे कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी आ रही है, तो आपको यहाँ पे वही वाला नंबर डालना है जिस नंबर से आपने व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, फ्रेशर हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस टैब को आपको जरूर क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिलता रहेगा। आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेंड मी इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रमोशन वाय SMS ईमेल एंड व्हाट्सएप। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो ये चीजें आप मोबाइल फोन बहुत यूज करते हो, हमेशा हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो अगर आपको व्हाट्सएप पे ही जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन मिल जाए तो कितना अच्छा है ना। सुबह शाम जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे आपको कोई ना कोई वहां पर नोटिस दिख ही जाएगा कि इस यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी इस वेबसाइट की कि यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर भी आपको जो है डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जॉब से रिलेटेड। तो वो चीज यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, यहाँ पे ध्यान से आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। मैं आपको पहले बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, naukri.com ने मुझे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं दिया है। मैं आपको सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप चीजों को कर सकते हो ताकि जो आपकी जॉब है वो जल्दी से जल्दी लग जाए। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दूं जो कि आपको 100% याद रखनी है, भूलना नहीं है, कि
कि कहीं पर भी अप्लाई करो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हो या फिर एनी अदर जॉब हो, कहीं पर भी आपसे पैसे मांगे जाए तो आपको पैसे नहीं देने हैं। याद रखें, कहीं पर भी आपसे कोई बोले कि आप मुझे रजिस्ट्रेशन फीस दे दो 1,000 रुपये, या 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, या 5,000 रुपये आपकी ट्रेनिंग होगी, 5,000 रुपये ट्रेनिंग में लगेंगे, या 10,000 रुपये दे दो हम आपकी ट्रेनिंग करवा देते हैं, कहीं भी 1 रुपये भी पे नहीं करना है। जहां पर भी आपसे पैसे मांगे जाए समझ लेना वहां पर गड़बड़ है, और वो आपकी जॉब नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसे में Naukri.com के अलावा जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट, जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनके अलावा हर जगह भी कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि स्पैम कर रहा होगा, पैसे मांग रहा होगा। तो ऐसे में आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं। आप उसे सिंपली ये बोल दीजिए कि मुझे तो खुद ही जॉब की रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से मैं अप्लाई करने आया हूँ, अगर मैं आपको पैसे देने लग जाऊंगा तो फिर मैं जॉब क्यों चाहूंगा, है ना? तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरी जॉब लगवा दीजिए, जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं आप उसमें से 1,000-2,000 रुपये आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से आपको उसके साथ डील करना है। आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जब अपना लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपके सामने आप जो वेबसाइट खुलेगी वो Naukri.com खुलेगी, और उसमें आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हो कि आपको कितनी सैलरी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ्रेशर हो तो 0 से 3 लाख की आप सर्च करें। इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हो, जिस भी कैटेगरी में आप जॉब चाहते हो, तो यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन है, आप देख सकते हो किस कैटेगरी आपको जॉब चाहिए। इसके अलावा आपने एजुकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हो कि किस एजु क्या एजुकेशन है आपकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशन भी मेंशन है। जो भी डिग्री आपने कर रखी है आप उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो, तो एजुकेशन से रिलेटेड जॉब आ जाएगी। सपोज करो अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एम कॉम किया हुआ है तो अप्लाई करूंगा, तो अप्लाई करने के बाद जो भी जॉब यहाँ पे निकल के आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एम कॉम वाली निकल के आएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे लोकेशन वाइज भी आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे लोकेशन भी गिवन है कि जिस भी लोकेशन की आप जॉब चाहते हो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। वैसे जो भी मेरी यहाँ पर इस वेबसाइट पे आने आने से पहले जो मेरी लोकेशन थी, जिस ब्राउजर से मैं लोकेशन मतलब इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया, जिस ब्राउजर से उसमें लोकेशन काम कर रही, इस वजह से मुझे आसपास का ही यहाँ पे सर्च करके दिखाता है। अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक जगह, सपोज करो मुंबई की चाहते हो, आप देखिए यहाँ पर मुंबई मेंशन नहीं है, तो अगर आप मुंबई की चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पे आप मुंबई लिख करके सर्च कर सकते हो। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर जो भी जॉब निकल के आएगी वो मुंबई से रिलेटेड ही निकल के आएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर एम कॉम सर्च किया हुआ था, तो इसको मैं एम कॉम को हटा देता हूँ। आई थिंक एम कॉम हट चुका है यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जॉब निकल के जो आ रही है वो आप देखेंगे जो पोस्ट निकल के आएंगी यहाँ पर, तो वो निकल के आएंगी जो मुंबई के अंदर ही, आप देखेंगे यहाँ पर मुंबई, नवी मुंबई, मुंबई मुंबई, इस तरीके से जो जॉब निकल के आ रही है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, मास कम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह की जो पोस्ट है आप देख सकते हो निकल के आ रही है, और स्पेसिफिक जगह की निकल के आ रही है, जो मैंने फिल किया था वही निकल के आ रही है। मुंबई की देखिए आप साइकोलॉजी की पोस्ट निकल के आ रही है, फाइनेंशियल मार्केट की मुंबई में निकल के आ रही है, स्टैटिस्टिक्स की निकल के आ रही है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पर एरिया स्पेसिफिक जॉब मिल जाती है। जिस भी सपोज करो मैं एग्जांपल के लिए जयपुर में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा जयपुर, जयपुर ऐसे लिख करके आप सर्च करेंगे, तो अगर कोई पोस्ट होगी जो जयपुर में होगी, और आप देखेंगे देखिए यहाँ पर पोस्ट निकल के आ रही है, अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की जयपुर में। तो इस तरह की जो पोस्ट है आपको इजिली यहाँ से मिल जाती है देखने को, और उसके बाद आप जो है यहाँ पे इजिली अप्लाई कर पाएंगे। अब मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किस क्या रोल है, क्या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो देखेंगे रोल जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेक्चरर का है, और इसके अलावा आप रोल जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है, और जो भी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये चीजें। यहीं पे गाइस आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा, बिकॉज मैंने अभी लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। अगर मैंने लॉगिन किया होता तो यहाँ पर अप्लाई करने का बटन दिख जाता। जैसे आप सिंपली अप्लाई करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो जाएगी, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर अपना रेज्यूमे अपलोड कर देना, जो आपका बायोडेटा है उसको आपको अपलोड कर देना है। बायोडेटा आपका अच्छा होना चाहिए, आपने अगर अच्छे से बनाया है तो रिक्रूटमेंट के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बायोडाटा के लिए आपको कैसे बनाना है बायोडाटा, अट्रैक्टिव बायोडाटा कैसे बने ताकि आपका एक ही बार में रिक्रूटमेंट हो जाए, बार बार आपको परेशान ना होना पड़े। तो ऐसे में मैंने इस बायोडाटा का एक डेमो बनाया हुआ है, जो कि वर्ड फाइल में इसको आप एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन उसमें एडिट कर लेना। अभी जो डेमो है कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमारी ऐप के अंदर, एग्जाम मेंटर, और आपको ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, इसके अंदर फ्री में आपको ये वाला जो डेमो है बायोडाटा का वो अवेलेबल मैंने करवा दिया है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप देखना वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल करके, फ्री स्टडी मटेरियल करके आपको एक टैब दिखेगा होम पेज पर, तो आपको उसी वाले टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने
कुछ डॉक्यूमेंट निकल के आएंगे जिसमें आपको डेमो वाला जो बायोडाटा है, जो रेज्यूमे है, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसको एडिट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर है, जो आपकी क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर अपडेट कर लेना है। उसके बाद जो अपना रेज्यूमे है आपको अपनी इस प्रोफाइल में आकर के यहाँ पर अपलोड कर देना है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई सर्च कर रहा हो एम्प्लॉय के लिए तो वो जो है आपके बायोडाटा को डाउनलोड करके आपके बारे में जान सके। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको यहाँ पर पैसे पे नहीं करने, ना तो अकाउंट क्रिएट करने कोई पैसे पे करने, ना ही व्हाट्सएप के लिए कोई भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। आपको यहाँ पर हर तरीके से जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये वीडियो मैंने आपको काफी टाइम से सोचा था बनाने के लिए, बट मैंने आप बना दी है। तो अब देखो मैंने बना दी है, आपकी हेल्प कर ली आपको। अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर है, जो भी आपको ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि वहां पर सभी को पता चले किस तरीके से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकालनी है और अपनी जॉब के लिए यहाँ पर आपको अप्रोच करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके मन में किसी भी तरह कोई भी डाउट है। और इसी वीडियो में इतना ही गाइज, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच।